हेलो दोस्तों, इंडिया सिनेमा पर ऑस्ट्रेलिया स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा जिस तरह सक्सेस मिली है अब बोरी है। अब इंडियन सिनेमा पर वन ऑफ द मोस्ट अपडेटेड फिल्म ट्रिपल ऑल रिलीज होने वाली है, जैसे कि इंडिया बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज किया जाना है। इस फिल्म के लीड रोल में दोस्तों यंग टाइगर जूनियर एनटीआर और मेगा पावर रामचरण, बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन और ब्यूटीफुल आलिया भट्ट नजर आने वाली है। वहीं दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन किया है इंडिया सिनेमा के बाहुबली डायरेक्टर एसएस रजामौली ने, जो इस फिल्म से पहले मैगधीरा मक्खी और बाहुबली जैसे बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं। उनकी अगली फिल्म ट्रिपल इंडिया बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनाई जा रही है, जो कि अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रिपल की फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों कि अभी तक इस फिल्म ने कितना कमाई कर ली है, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही एक हफ्ते पहले ही एडवांस बुकिंग यूएस में बॉक्स ऑफिस पर चालू हो चुकी है, जहां से इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई कर ली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ कमाई कर लेगी और बॉक्स ऑफिस पर कितने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो यारो लगभग 4.5 करोड़ की बजट से बनने वाली एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो और जिसको इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6 जनवरी को रिलीज किया जाने वाले है। ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में इंडियन सिनेमा को वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन सकती है, क्योंकि और जिस तरह का बेहतरीन ट्रेलर और टीजर हम सभी को दिखाया गया है, जिस तरह का स्टैंडिंग लुक इस फिल्म से जूनियर एनटीआर और रामचरण के नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ मौस महाराजा के पावरफुल लुक इस फिल्म में दिखाने के लिए मिल रहा। यारो इसके बाद फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। यारो यह फिल्म ऑल ऑफ इंडिया में लगभग 4 से 5 हजार स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है, जिससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि अपने ओपनिंग डे पर ही लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई आसानी से कर लेगी। साथ ही साथ इस फिल्म के एडवांस बुकिंग यूएस में यानी कि अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो चुकी है, जहां पर इस फिल्म ने अपने रिलीज से पहले ही 1 मिलियन को आसानी से पार कर दिया था। वहीं और इस फिल्म को एडवांस बुकिंग 1.5 मिलियन के पार हो चुकी थी, यानी कि इस साल कई हिंदी और तेलुगु फिल्म को अपने एडवांस बुकिंग से ही RRR फिल्म पीछे छोड़ चुकी हैं। और उम्मीद है कि यारो यह फिल्म अपने पहले दिन अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3 मिलियन से ज्यादा ओपनिंग ले लेगी, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा। बताते चलें कि यारो इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच काफी अच्छा बस बना हुआ है। हिंदी में ही यारो अपने पहले दिन लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए का ओपनिंग ले सकती है। हालांकि दिल्ली के सभी सिनेमा घर बंद कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि यारो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र भी जल्द ही बंद हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो RRR फिल्म को उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यारो अभी का हालात देखते हुए RRR मूवी 100 जनवरी को रिलीज होने वाली है और उम्मीद है कि यारो ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन ही 120 से 150 करोड़ रुपए कमा लेगी। साथ ही साथ यारो इस फिल्म को अच्छी रिव्यू मिलते हैं तो ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ की कमाई आसानी से कर लेगी। आपको क्या लगता है यारो RRR इंडिया बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर पाएगा?